अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल हैप्पी टाइम विद नाज़िया। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज बहुत ही सुहाना मौसम है, तो आज हमने प्लान किया है कि हम जाएंगे डेजर्ट कैंपिंग के लिए। जैसा कि आपको पता है कि मैं कुवैत में रहती हूँ, यहाँ मौसम बहुत गर्म रहता है, बट लास्ट वीक से यहाँ टेम्परेचर बहुत अच्छा हो गया है, बाहर घूमने लायक है, तो हमने प्लान किया है, तो चलो हम आउटिंग के लिए चलते हैं। हमारे घर से डेजर्ट एरिया 1 घंटे का डिस्टेंस है, तो हम निकल पड़े हैं। रास्ते में मैं आपको एक चीज़ ज़रूर दिखाऊंगी, आप देख सकते हो आपको कुछ दिख रहा है दूर से, बट ये थोड़ा सा ब्रिज आ रहा है। अब ये ब्रिज पार होने से होने के बाद मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि ये क्या है एग्जैक्टली। ये ताजमहल की जैसा बना हुआ एक मस्जिद है, ताजमहल नहीं, ये एक मस्जिद है, डिज़ाइन ताजमहल की जैसा किया है, बहुत ही प्यारा है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हम डेजर्ट एरिया पहुंच चुके हैं, हमने ये लोकेशन सेलेक्ट किया है। अब यहाँ मेरे हस्बैंड गाड़ी पार्क कर रहे हैं, उसके बाद हम अपने कैंपिंग की पूरी सेटअप करेंगे यहाँ पर। मेरे हस्बैंड और मेरा बड़ा बेटा दोनों मिलके सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो कैमरा संभाला है, अभी ये दोनों मिलके पूरी सेटअप करेंगे। अब यहाँ पर कैंप सेट करेंगे, बहुत ही आसान है इसे सेट करना, ताकि यहाँ बहुत डस्ट भी उड़ रही है, हवा चल रही है, हमें लंच भी करना है, तो ये टेंट रहेगा तो हमें बहुत आसानी होगी, हम अंदर बैठ के आराम से अपना लंच कंप्लीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सारा सेटअप हो गया है, सब कुछ रेडी है, बस अब हमें अंदर जाना है और लंच करना है। बहुत ज़ोर की भूख लगी है क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है, 2 बज रहे हैं। इससे पहले कि मैं अंदर जाके बैठ जाऊँ, मैं आपको सारे अरेंजमेंट दिखा दे रही हूँ कि चेयर्स वगैरह भी लग गए हैं, सब कुछ सेटअप हो गया है। देखिए, मेरे बेटे दोनों बैठ गए हैं यहाँ पर, और हमारा लंच भी है, वो भी निकल गया है, अब हम जल्दी से खा लेते हैं। मैं बहुत सारा शूट यहाँ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे छोटे बेटे ने थोड़ा परेशान कर दिया, तो मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पर वीडियो नहीं कर पा रही हूँ। लंच के बाद थोड़ी देर हमने आराम किया और फिर बच्चे खेलने लगे, छोटा बेटा पूरा मिट्टी में खेलने लगा, फिर शाम भी बहुत जल्दी ढलने लगी, सनसेट होने लगा, फिर बच्चों ने कहा कि एटीवी चलाना है, तो फिर हम उधर एटीवी की तरफ चले गए और वहाँ पर बच्चों ने बाइक चलाई, डेजर्ट बाइक चलाई। देखते देखते रात हो गई, फिर बाइक चलाने के बाद हम फिर वापस घर के लिए रवाना हुए। जो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।